हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक विडो फिल्म के टीजर के बारे में जो लगभग 2 मिनट का है। और इस टीजर को देखकर डेफिनेटली मैं ये बात तो कह ही सकता हूँ कि फेज 4 की शुरुआत बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अलग तरीके से की जा रही है, जिसका एग्जांपल इस फिल्म का ये टीजर है। कैसे, तो चलिए पूरी की पूरी डिटेल्स में जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग तो बनती है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ब्लैक विडो फिल्म नहीं बल्कि एमसीयू के बाकी के यूनिवर्स से रिलेटेड भी काफी सारे स्पॉइलर्स दूंगा। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखकर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लैक विडो फिल्म के ट्रेलर से ही रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स जाननी है तो आप इस वीडियो को सीधे सीधे स्किप कर दीजिए 5 मिनट 40 सेकंड्स पर, क्योंकि वहीं से मैंने फिल्म के ट्रेलर की पूरी डिटेल्स की बात की है। और स्टार्टिंग की पूरी शुरुआत में मैंने कुछ डाउट्स को क्लियर किया है कि ये फिल्म हमारे इंडिया में कब रिलीज होगी और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस के अलावा इस फिल्म को बाकी और कौन सी लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। और जी हाँ, टोनी स्टार्क की उस लीक इमेजेस की भी मैं कुछ डिटेल्स दूंगा आपको कि एक्चुअल में टोनी स्टार्क हमें इस फिल्म में नजर आएगा भी या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की रिलीज डेट और इसके हिंदी, इंग्लिश और बाकी दूसरे वर्जन के डबिंग की। जिनमें अगर मैं बात करूं फिल्म की रिलीज डेट की, तो सभी मार्वल फैंस को ये बात तो पता होगी कि इस फिल्म को हमारे इंडिया में एक दिन पहले रिलीज किया जाएगा, यानी ये फिल्म 30 अप्रैल के दिन हमारे इंडियन थिएटर्स में लगेगी, वो भी पूरी 6 लैंग्वेजेस में, जिनमें ऑब्वियसली इंग्लिश हिंदी तो है ही, उसके अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा भी है। यानी डेफिनेटली यहाँ पर एमसीयू को ये बात पता चल गई है कि एमसीयू की फैन फॉलोइंग इंडिया में काफी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा है, और इंडिया से एमसीयू की फिल्मों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है, जिसके चलते अब एमसीयू इंडियन मार्वल फैंस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा है। और इन्हीं रीजंस की वजह से इस फिल्म को हमारे इंडिया में एक दिन पहले रिलीज किया जाएगा। तो ये बात हो गई फिल्म की लैंग्वेजेस और इंडिया की रिलीज डेट को लेकर। और अब आते हैं ब्लैक विडो के कॉस्ट्यूम पर, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में हमने ब्लैक विडो को 2 अलग ही कॉस्ट्यूम्स में देखे है जो बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है, जिनमें से एक कॉस्ट्यूम ऑब्वियसली ब्लैक विडो का व्हाइट कॉस्ट्यूम है, जो ब्लैक विडो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहनती है ताकि वो स्नोई जैसे इलाके में दुश्मनों को बिल्कुल भी नजर ना आए, वरना ऑब्वियसली ब्लैक कॉस्ट्यूम तो सभी को नजर आ जाता है। और अगर आप इसकी कॉमिक बुक की ओरिजिन पूछो तो जी नहीं, कॉमिक बुक में इस कॉस्ट्यूम को लेकर कोई इतनी ज्यादा खास ओरिजिन है नहीं, बस इस कॉस्ट्यूम की झलक हमें ब्लैक विडो की कॉमिक बुक डेडली ओरिजिन में दिखाई गई थी। और उस कॉमिक बुक में भी ब्लैक विडो ने इस कॉस्ट्यूम को सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से पहना था कि वो दुश्मनों की नजर में ना आए, यानी आप समझ सकते हो कि वो हिप ऑफ एक स्पाई वाली फीलिंग। और सच में इस फिल्म के पूरे ट्रेलर को देखकर भी मैं यही सोच रहा था कि क्या ये सुपर हीरो की फिल्म है या फिर एक स्पाई थ्रिलर, जो कि इस टाइप की सुपर हीरोज की फिल्मों के लिए तो बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छा है। क्यों, तो चलिए उस पर भी थोड़ा बात कर लेते है। वेल, तो आप सभी को पता होगा कि आज की तारीख में सुपर हीरोज की फिल्मों को लेकर ट्रेंड कितना ज्यादा चल रहा है। और अगर देखा जाए तो बीते कई सालों में हमने सुपर हीरोज की जितनी भी फिल्में देखी है, सभी की सभी फिल्मों में यही फोकस किया जाता है कि सुपर हीरो है उसकी एक बैक ओरिजिन है, जिसकी फिल्म में स्टार्ट में शुरुआत की जाती है और उसके बाद उसे उसकी सुपर पावर्स कैसे मिली, ये सारी की सारी डिटेल। और यही चीज हम एमसीयू में पिछले कुछ 10-11 सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार एमसीयू की भी तरफ से पूरी की पूरी चीजों को चेंज कर दिया गया है और फाइनली एक अलग टाइप की सुपर हीरोज के जॉनर को शुरू कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत ब्लैक विडो फिल्म से की गई है। हालांकि इसकी पहली शुरुआत कैप्टन मार्वल फिल्म से की गई थी, जिस फिल्म में हमें कैप्टन मार्वल की ओरिजिन को काफी अलग तरीके से दिखाया गया था, जो कि एक अच्छी भी चीज थी, बट अगर देखा जाए तो ये हक सीधे सीधे ब्लैक विडो का बनता है। और अगर एमसीयू में सबसे पहली फीमेल सुपर हीरो की फिल्म बननी चाहिए थी तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक विडो ही थी, जिसके बाद अब जाकर एमसीयू की तरफ से ब्लैक विडो की एक सोलो मूवी बनाई गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ फैंस की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि हो सकता है कि जिस टाइम पर इस फिल्म की प्लानिंग की गई हो उस टाइम पर इस टाइप की फिल्में, इस टाइप की सुपर हीरोज की फिल्में एमसीयू फैंस क्या बाकी दूसरे और लोगों को भी पसंद ना आए, इसलिए इसकी शुरुआत ट्रेंड के हिसाब से की गई है। और आज की तारीख में ब्लैक विडो का क्रेज फैंस के बीच कितना ज्यादा है ये बात आप सभी को पता है। और ऊपर से देखा जाए तो ये फिल्म स्कारलेट जॉनसन की एक आखिरी फिल्म है, जिसमें हम उन्हें ब्लैक विडो का कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखने वाले हैं, और उसके बाद वो हमें एमसीयू के फ्यूचर में कभी भी ब्लैक विडो के कैरेक्टर का रोल करती हुई नजर नहीं आने वाली। और फिर अगर आप ये सोचोगे कि अगर ब्लैक विडो की ये आखिरी फिल्म है तो फिर एमसीयू के फ्यूचर में ब्लैक विडो के कैरेक्टर का रोल कौन प्ले करेगा, वेल तो उसका जवाब भी हमें फिल्म के ट्रेलर में ही मिल जाता है, टीजर में, कि फ्यूचर की ब्लैक विडो कौन होगी, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ एक ब्लैक विडो नहीं बल्कि कई सारी ब्लैक विडो हमें दिखाई गई है। लेकिन हाँ, अगर आप इस टाइटल की बात करो कि ब्लैक विडो का ये टाइटल किस कैरेक्टर को जाएगा, तो वो कैरेक्टर है येलिना ब्लोवा का, जो कि एमसीयू की फ्यूचर की ब्लैक विडो बनेगी, जिसका रोल इस फिल्म में फ्लोरेंस पैक कर रही है। और अब टोनी स्टार्क की डिटेल पर आए तो जी हाँ, हमें इस फिल्म में रॉबर्ट रॉनी जूनियर का कैरेक्टर टोनी स्टार्क फिर से नजर आएगा, जो कि एक्चुअल में एक डिलीटेड सीन होगा, और डेफिनेटली ये सीन फिल्म के स्टार्ट में ही प्ले किया जाएगा, क्योंकि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस फिल्म की टाइमलाइन सिविल वॉर के बाद की है, कि एक्चुअल में ब्लैक विडो खुद को बचाने के लिए कहां पर जाकर छुपी थी, जिसके बाद ब्लैक विडो के पीछे कई सारे विलन्स पड़ने वाले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के टीजर में हमें सिवाय टास्क मास्टर के अलावा बाकी और कोई भी विलन दिखाए नहीं गए। अगर देखा जाए तो हम विलियम हर्ट्स के कैरेक्टर थंडर रॉस को भी एक विलन के तौर पर देख सकते हैं, जो फिलहाल तो हमें इस फिल्म के टीजर में कुछ इसी तरीके से नजर आ रहे हैं, जो किसी भी कीमत में ब्लैक विडो को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसने सोकोविया अकॉर्ड्स के रूल तोड़े हैं, और एंटमैन और हॉकाई की तरह उसे भी इसकी
पनिशमेंट भुगतनी होगी। यानी यहाँ पर यह सिचुएशन थानोस के आने के पहले की है और टोनी स्टार्क भी ब्लैक विडो को यही बात समझाएगा कि अगर वो उसका साथ देगी तो वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा, जिसके बाद शायद हो सकता है कि ब्लैक विडो टोनी की उस बात को ना माने और सीधे सीधे टोनी से ये कह दे कि वो एक बड़ी जंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है, जो कि इस बार उसे ही अकेले लड़नी है। यानी इस बार ब्लैक विडो का साथ हमारे एमसीयू के सुपर हीरोज तो देने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और जी हाँ, हमने टीजर में झलक हॉकआई और निक फ्यूरी की देखी है, जिन्हें बस एक फ्लैशबैक के तौर पर ही दिखाया गया है, ताकि हम ये जान सके कि इस बार ब्लैक विडो के लिए सिचुएशन कितनी ज्यादा बुरी है और क्या वो इस बुरी सिचुएशन से निकल भी पाएगी या नहीं। बट इन सब के बीच ब्लैक विडो की मदद करने के लिए कुछ और नए कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो टोनी स्टार्क के टॉपिक को खत्म करते हुए मैं यही बात कहूंगा कि कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर टोनी स्टार्क को लेकर एक पोस्ट डाला था कि टोनी स्टार्क की एक इमेज लीक हुई थी फिल्म के टीजर से रिलेटेड, बट फिल्म के टीजर में ऐसा कोई भी सीन नहीं था और इसीलिए मैंने टोनी स्टार्क की उस लीक इमेजेस का ब्रेकडाउन तक नहीं किया था, क्योंकि मैं इन चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वेल, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई ब्लैक विडो फिल्म से रिलेटेड, जो आपको जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। और अब बात करते हैं फिल्म के ट्रेलर की, यानी फिल्म के ट्रेलर के असल ब्रेकडाउन की, जिसकी शुरुआत हंगर के शहर बुडापेस्ट से होती है, जहां पर हम बुडापेस्ट के लिबर्टी स्टैचूज को देख सकते हैं। और शायद हो सकता है कि ऑलमोस्ट फिल्म की लोकेशन बुडापेस्ट की ही हो। और उसके बाद हम ब्लैक विडो को ये बोलते हुए सुन सकते हैं कि पहले उसके पास कोई भी मकसद नहीं था, जिस बीच हम ब्लैक विडो के पास पर भी नजर डालते हैं, जिनकी पूरी की पूरी ऐसी ही सेम झलक हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म में देखी थी। अगर सीधे सीधे कहूँ तो उन्हीं सभी सीन्स को उठाकर इस फिल्म के स्टार्ट के इस टीजर में डाला गया है, जिससे ये भी बात साफ हो जाती है कि फिल्म ज्यादा फोकस ब्लैक विडो के इस तरीके के पास पर तो बिल्कुल भी नहीं रखने वाली। यानी हो सकता है कि पूरी फिल्म में हमें ब्लैक विडो का पास बस बातचीत के दौरान ही दिखाया जाए कि किस तरीके से उसने इस बुरी सिचुएशन में से खुद को निकाला था, यानी वही पूरे रेड रूम वाली सिचुएशन, जिसे नताशा बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती। बट कुछ चीजें कभी भी पीछे नहीं छूटती और ऐसा ही कुछ नताशा यानी ब्लैक विडो के साथ भी होगा, क्योंकि हम ट्रेलर में नताशा को ये भी बोलते हुए सुनते हैं कि वो इन सब के बाद अपने उस पास को भुलाकर आगे बढ़ चुकी थी, यानी एवेंजर्स की वही टीम ज्वाइन करना, जिसमें उसका ज्यादातर तो साथ निक फ्यूरी और हॉकआई ने दिया था, वो भी शुरुआती दिनों में। इसलिए हमने उन दोनों की झलक इस टीजर में भी देखी कि एक्चुअल में नताशा निक फ्यूरी और हॉकआई को कितना ज्यादा मानती है। बट अब इन सब के बावजूद भी ये दोनों क्या बाकी दूसरे सुपर हीरोज भी नताशा की मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि सिविल वॉर फिल्म के बाद सारे के सारे सुपर हीरोज की टीम बिखर गई थी, खास करके कैप्टन की टीम, जिनमें से एंटमैन और हॉकआई को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। और निक फ्यूरी का क्या हाल हुआ है ये बात तो हम सभी को पता है, क्योंकि इस टाइम पर निक फ्यूरी अर्थ पर तो बिल्कुल भी नहीं थे और उनकी जगह उन्होंने स्कर्ल्स के लीडर को दे दी थी, ताकि वो स्पेस के कुछ मिशन को पूरा कर सके कैप्टन मार्वल के साथ मिलकर। यानी वही बात जो मैंने आपको पहले समझाई कि इन सभी मुसीबतों का सामना नताशा को अकेले ही करना होगा, जो कि हमें टीजर के स्टार्ट में ही साफ साफ नजर आ रही है कि नताशा किस तरीके से खुद को US गवर्नमेंट और रशियन सोवियत के लोगों से बचा रही है, जो उसे किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी नताशा अपनी अलग अलग आइडेंटिटी को लेकर खुद को छुपाने में कामयाब होती रहती है, क्योंकि उसके पास काफी सारे पासपोर्ट और अलग अलग आइडेंटिटी हम साफ साफ देख सकते हैं, जिनकी मदद से वो हर बार शायद बचने में कामयाब होती है, वो भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए। लेकिन देखा जाए तो इस बार उसे ट्रैक कर लिया गया है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि फ्लोरेंस पैक की कैरेक्टर येलिना बिलोवा ने किया है, जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि नताशा येलिना को अपनी बहन की तरह मानती है और वो यहाँ पर शायद उसकी मदद के लिए आई है, क्योंकि येलिना के अलावा नताशा को और भी लोग ट्रैक कर रहे हैं। जिसके बाद हम इस सीन में अच्छा खासा चेजिंग सीन देखेंगे, वो भी काफी सारे एक्शन के साथ, जिन एक्शन में हमें झलक टास्क मास्टर के कैरेक्टर की भी नजर आती है, जो फिल्म के टीजर में तो हमें काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अगर आप टास्क मास्टर की थोड़ी बहुत डिटेल्स की बात करें तो टास्क मास्टर को आप काफी एडवांस असेंशन समझ सकते हो, जिसके पास सामने वालों की पूरे के पूरे मूव्स को कॉपी करने की स्किल्स है, जिनकी मदद से उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर देखा जाए तो इस टीजर में ये भी बात रूमर के तौर पर निकल कर आ रही है कि शायद टास्क मास्टर के कैरेक्टर का रोल इस फिल्म में और कोई नहीं बल्कि ओटी फैकबेलिन कर रहे हैं, जिनके कैरेक्टर का नाम इस फिल्म में है मैशन। और अब आगे की जो भी बात होगी वो डेफिनेटली स्पॉइलर से भरी हुई है, तो आप इन सभी चीजों को काफी ज्यादा ध्यान में रखिएगा। वेल, यहाँ पर स्पॉइलर की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं विलियम हर्ट यानी थंडर रॉस के कैरेक्टर पर, जिन्हें हमने ब्लैक विडो फिल्म के सेट की इमेजेस में काफी ज्यादा वीक देखा, और टीजर में उन्हें डी एजिंग की टेक्नोलॉजी से थोड़ा सही किया गया है। और अगर देखा जाए तो अगर ये टाइमलाइन सिविल वॉर के बाद की है तो थंडर रॉस की हालत उस टाइम पर कुछ इस तरीके की तो बिल्कुल भी नहीं थी। यानी हो सकता है कि थंडर रॉस की एंट्री फिल्म में एक्चुअल में एंड में हो, जहां पर एंड में नताशा ने सारे के सारे कामों को निपटा दिया, जिसकी झलक हम इस सीन में साफ साफ देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली फिल्म का एंड का ही सीन होगा, जहां पर उसने बाकी सभी लोगों को भगा दिया। और उसके बाद आ जाए इन दोनों बहनों के इस सीन पर, तो हो सकता है कि इस सीन के बाद इन दोनों के डाउट्स क्लियर हो गए एक दूसरे को लेकर, जिसके बाद नताशा की मदद करने के लिए ये लेना भी बिल्कुल रेडी हो गई। बट अब इसके लिए उन्हें एक परफेक्ट प्लान की जरूरत थी कि वो लोग इस मिशन को किस तरीके से अंजाम देंगे, यानी वही सोवियत के लोगों को पूरी तरीके से खत्म करने का, ताकि वो लोग फिर से निकलकर नताशा और उसकी बहन येलिना को
कभी तंग ना करें, जिसके चलते वो दोनों शायद मदद लेते हैं डेविड हार्बर के कैरेक्टर एलेक्सी साको की, जिन्हें हम रेड गार्डियन के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर सिंपली कहूं तो ये रशियन कैप्टन अमेरिका है, जिन्हें शायद कई साल से सोवियत के लोगों ने किसी प्रिजन में बंद कर रखा था, जहां पर नताशा और उसकी बहन गेलिना पहुंचती है, वो भी अपने व्हाइट कॉस्ट्यूम में, ताकि वो लोग रेड गार्डियन को छुड़ा सके। और ऐसा ही होता है। और उसके बाद होती है एक फैमिली रीयूनियन, जिसमें हम इन तीन कैरेक्टर्स के अलावा रेचल वीट्स के कैरेक्टर मिलियना वोस्तोकोव को भी देख सकते हैं। अब रूमर के अकॉर्डिंग उनके नाम की यही कंफर्मेशन की गई है। और अगर इस कैरेक्टर पर आ जाए तो मिलियना नाम के कैरेक्टर को हम मार्वल कॉमिक बुक में आयरन मैंडीन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक विलन ही है। और अगर देखा जाए तो जो प्लॉट फिल्म का रूमर के हिसाब से लीक हुआ था, उस प्लॉट में भी रेचल के कैरेक्टर मिलियना को विलन ही दिखाया गया है, जो कहीं ना कहीं मोशन यानी टास्क मास्टर को ऑर्डर देती है कि वो जल्द से जल्द नताशा और गेलिना को मार दे। अगर दूसरी रूमर पर आए तो मुझे ऐसा लगता है कि रेड गार्डियन और मिलियना का कैरेक्टर एक दूसरे से प्यार करते हैं, या फिर वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं। और इन्हीं दोनों की वजह से नताशा और गेलिना उस रेड रूम से निकलने में कामयाब हुई थी। और अगर कुछ और डिटेल्स पर जाए तो हो सकता है कि रेचल और डेविड हार्बर के कैरेक्टर इन दोनों के गार्डियन है, क्योंकि अगर कॉमिक बुक में रेड गार्डियन की ओरिजिन देखी जाए तो कॉमिक बुक में रेड गार्डियन ब्लैक विडो का हस्बैंड है, जो कि डेफिनेटली फिल्म में तो होगा नहीं। और फिल्म में इस कैरेक्टर को पूरी तरीके से चेंज कर कहीं ना कहीं इतना बदल दिया गया कि रेड गार्डियन शायद नताशा के लिए एक पिता की तरह है और मिलियना का कैरेक्टर उनकी माँ की तरह, जो हमें इस टीजर में ब्लैक विडो ही दिख रही है। और उनके जितने भी सीन हम इस टीजर में देखते हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो सारे के सारे सीन एक फ्लैशबैक में लिए गए हैं, क्योंकि लोकेशन मुझे प्रेजेंट टाइम की तो बिल्कुल भी नहीं लगती। और वहीं पर हमें एक अननोन फिगर भी दिखाया जाता है, जो कि शायद हो सकता है कि और कोई नहीं बल्कि रे विंस्टन हो, जो सोवियत के पूरे ऑपरेशन को चलाते हैं, यानी ऑपरेशन रेड रूम, जहां पर नताशा जैसे लोगों को ट्रेन किया जाता है, जिनकी झलक भी हम इस टीजर में साफ साफ देख सकते हैं कि आज भी वहां पर काफी सारे एजेंट्स तैयार किए जाते हैं, जिन्हें शायद फिल्म के एंड में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाएगा। और टीजर के इस सीन की बात की जाए तो इस सीन में देखकर हमें ये बात भी साफ साफ समझ आ जाती है कि इस सीन में एक और ब्लैक विडो है, जो शायद और कोई नहीं बल्कि रेचल वीट हो, यानी मिलियना। और अगर रेचल वीट के इस सीन की बात की जाए तो इस सीन से एक और बड़ा स्पॉइलर भी निकल कर आता है कि हो सकता है कि रेचल के कैरेक्टर मिलियना की मौत हो जाए, और उनकी मौत के बाद मिलियना के इस कॉस्ट्यूम को ब्लैक विडो पहनती है, जिसकी झलक हमने टीजर में भी देखी और फिल्म के ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट पोस्टर में भी। यानी ये चीजें सीधे सीधे यही चीज इशारा कर रही है कि असल ब्लैक विडो एक्चुअल में नताशा नहीं बल्कि मिलियना थी। यानी अगर देखा जाए तो फिल्म के जो प्लॉट की लीक की डिटेल्स निकल कर आई है, वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी गलत सी लगती है, खास करके रेचल वीट्स के कैरेक्टर को लेकर। बट अब तक किसी ने फिल्म देखी है नहीं, इसलिए अभी से अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता। तो वेट करते हैं फिल्म के ऑफिशियल रिलीज होने का, जिसके बाद एक्चुअल में हमें पता चल जाएगा कि फिल्म में कौन से कैरेक्टर को किस लिए ऐड किया गया है, और क्या सच में हमें इस फिल्म में रॉबर्ट डॉनी जूनियर यानी टोनी स्टार्क का कैमियो भी नजर आएगा या नहीं। खैर, तो ये थी ब्लैक विडो फिल्म की टीजर की पूरी डिटेल्स जो मुझे नजर आई है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डिटेल्स मिस कर दी है तो आप उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।